प्रेडिक्ट किया था वो ज्यादा देर नहीं लगी, वो सच साबित हो गया। ये जो आज ट्वीट आया है ये उस तमाम माहौल को विशिएट करता है जो माहौल जनाब स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर, आपने और स्पीकर साहब ने जो है उस माहौल को डेवलप करने की कोशिश की और उसमें सबने हिस्सा डाला, सरकारी पार्टी ने भी हिस्सा डाला, लेकिन उस तरह का रिस्पांस जो है नहीं मिला और पीटीआई के रैंक एंड फाइल की जो डेस्परेशन है वो इंतहा को पहुंच गई और ये ट्वीट जो आज आया है ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। जनाबे वाला, बार बार सीएम केपी का नाम लिया जा रहा है। मैं फिर अपने इस साइड के कुलीस के साथ मैं फिर इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहां जबरदस्ती नहीं गए हुए थे, वो 7-8 घंटे अपनी मर्जी से रहे हैं और मर्जी से उठ के आए हैं। बानी पीटीआई उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके रابطे हैं, बवक्ते जरूरत वो उन रابطों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन साथ इस जो मैसेज उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया है, ट्विटर पे दिया है, उसको भी जो है वो कायम रखना चाहते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये एक दोगली पॉलिसी है वो, जो क्रेडिबिलिटी पहले तो उनकी कथित तौर पे नहीं है। अगर पिछले 2-3 रोज में कोई क्रेडिबिलिटी यहां पे बिल्ट अप हुई है, एक माहौल पैदा हुआ है, वो सारे के सारे उस माहौल की इमारत जो है वो मिसमार होकर जमीन पे गिर पड़ी है। जनाबे वाला, लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे तो मुझे खुशगवार हैरत होती थी, जब नवाज शरीफ के साथ थे तब भी यही तकरीर करते थे, मुशर्रफ के साथ थे तब भी इतनी जोश के साथ तकरीर करते थे, किसी और पार्टी के साथ थे। मुझे ये आर्ट जो है मुझे भी कुछ सिखा दे कि मैं हर पार्टी के साथ मिल जाऊं और इसी तरह तकरीर करूं। जो जनाबे वाला, ये कमेटी जो है, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, इसका कोई जवाब अब बाकी नहीं रहता जो अब माहौल जो है इस हाउस में क्रिएट हो गया हुआ है और उसका जिम्मेवार जो है वो वाइट शख्स है, वो बानी पीटीआई और ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स भी। जनाबे वाला, जो याया खान का रेफरेंस देने वाला, याया खान को आर्मी चीफ किसने बनाया था? अयूब खान ने बनाया था, उस जुर्म में वो भी शरीक थे कि एक ऐसे शख्स को आर्मी चीफ बनाया गया जिसने मुल्क तोड़ दिया। अगर उसकी मिसाल दी जाती है तो फिर उसकी मिसाल जो है वो जो है सादिक आती है। अयूब खान फील्ड मार्शल तो मैं नहीं कहूंगा, फील्ड मार्शल तो खुद बने थे, कमांडर इन चीफ जो थे उस वक्त आर्मी के, उन पे भी सादिक आती है। अल्लाह के फजल से ये मुल्क डिसइंटेग्रेट नहीं होगा, लेकिन इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है केपी में जाके खुदा न खास्ता ये अलहदगी की तारीख न चलाएं। और सारी जबान जो है उस दिन जलसे में जो बोली गई वो सारी की सारी एक अलहदगी पसंदों की जबान थी। अगर आप तारीख के जरोकों में जरा झांकें तो जिन लोगों ने भी इस मुल्क के हिस्से बखरे करने की बात की वो भी इतनी तल्ख जबान नहीं इस्तेमाल करते थे।
आपने एक साथ वाले सूबे पंजाब के ऊपर, जिसमें अल्लाह के फजल से सारी कौमीतें बसती हैं, पंजाब ने अल्लाह के फजल से सारी कौमियतों को वेलकम किया है। यहां पे अल्लाह के फजल से कोई गैर महफूज नहीं है। इसी तरह सिंध है, कराची है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान में वाकयात होते हैं, लेकिन आप कोई सूबा जो है ये नहीं कहता कि हम लश्कर लेके जो है आप पे अब हमलावर होंगे। आपने जो मीडिया वाली बात जो थी उस पर अपोलोजाइज कर लिया, क्योंकि मीडिया की आपको जरूरत है। ये जो साहबान ख्वातीन और हजरात जो बैठे हुए प्रेस गैलरी, इनकी आपको जरूरत है कि आपका नैरेटिव चाहे जितना भी ज्यादा एंटी पाकिस्तान हो, उसको किस ना किसी तरह जो है आगे बढ़ावा मिल सके। इसलिए आपने बाकी जो उस दिन चीफ मिनिस्टर केपी ने जो कुछ कहा, किसी बात पे पशमानी या पछतावा या उसको बैक ट्रैक नहीं किया गया। वो पाकिस्तान की वादत के खिलाफ था। जनाब वाला, ये हमने जो जब पीटीआई हुक्मरानी कर रही थी, तो मौजूदा आर्मी चीफ उस वक्त डीजीआईएस ही रहे, उनको हटाया गया। बिलावल भुट्टो साहब ने सही कहा कि उन्होंने विसल ब्लो गई कि जनाबे वाला, आपकी वजीर आजम साहब आपके घर में आपकी क्या कहते हैं सरपरस्ती में करप्शन हो रही है, करप्शन के सबूत दिए, और बाद में वो करप्शन जो है सामने भी आई कि क्या क्या गुल खुलाते रहे। अगर कोई करप्शन के सबूत दे तो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आपने यहां पे, हम राइट ये रिजर्व करते हैं कि उस रात को जिस रात इन्होंने असेंबली जो है डिसॉल्व की, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम ये राइट रिजर्व करते हैं कि हम उसके ऊपर जो है जुडिशरी को के सामने जाएं, ये मामला वहां पे एजिटेट करें कि उस दिन आईन तोड़ा गया था, आर्टिकल 6 की जो है खिलाफ वर्जी हुई थी। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है कि आईन तोड़ा गया और हमारे आईन तोड़ने की जो बुनियाद थी, जो हमारा जो एजिटेट जो हमने किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर सख्त की। ये जो दो दिन का जो है ट्रूस जो था वो हवा में तहलील हो गया है, इन लोगों की ना आंख बतंगेशी की नजर हो गया है। मैंने जो परसों कहा उस मीटिंग के अंदर, दुरुस्त कहा कि वो कमेटी जो है किसी की ग्रीवियंस कमेटी नहीं है, वो इस हाउस की कम से कम इज्जत बहाल करने के लिए, एहतराम बहाल करने के लिए, इसको चलाने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। मेरा वहां पे वॉकआउट जो है वो सच साबित हुआ। आप बताएं, ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है, और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। मुझे बताएं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक उनके ये ख्यालात हैं, तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा। किबला उनका जो है वो पिंडी है, जीएचक्यू है। सियासी किबला तो ये होना चाहिए, ये हाउस होना चाहिए, ये पार्लियामेंट होनी चाहिए, यह कौमी असेंबली होनी चाहिए। अगर ये बातें जो आज उन्होंने ट्वीट में दर्ज की हैं, लिखी हैं, जो जनाबे डेप्टी स्पीकर, फिर एस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं? जनरल आसम मुनीर साहब एस्टेब्लिशमेंट के हेड हैं, उनके पांव गिरना चाहते हैं, फिर साथ ट्वीट भी करते हैं। सर, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी दो नंबरी हुई है, इससे बड़ी दो नंबरी कोई नहीं हुई। बड़ी बड़ी दो नंबरी हुई है। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की सियासत पाक साफ थी या पवित्र थी, हम लोगों से बेशुमार गलतियां हुई हैं। काजी फैज ईसा को इन्होंने निशाना बनाया,
जनरल फैज साहब जो अंदर पता नहीं वो बानी पीटीआई के मतलब कैसे गाने गा रहे हैं, हो सकता है वो गाना गा रहे हो कि आजा बालम तेरा इंतजार है, तो इस किस्म का वो गाना अंदर वो गा रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, उन्हीं के जरिए जो है धरना दिलवाया गया। उसके बाद फैसला आया एक शख्स को जो है, और उसके बाद अपोलोजाइज किया गया, उनसे माफी मांगी गई। उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने फैजी सर से माफी मांगी कि उनसे जाती हुई है, ये रेफरेंस फाइल नहीं होना चाहिए था, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये ज्यादा कोई 100 साल पुरानी बात नहीं है, ये 3 साल पुरानी बात है। जनाब डिप्टी स्पीकर, वो कुछ कुछ इज्जत आबरू होती है सियासतदानों की या सियासी वर्करों की, अगर वो अपनी बात से मुकरते भी हैं तो कुछ देर लगाते हैं, ये तो 24 घंटे नहीं खड़े रहते अपनी बात के ऊपर, हर बात पे यू टर्न। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन। जनाब स्पीकर, सात गालियां और सात मुजाकरात सिर्फ उनसे, आप देखिएगा ये ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ये 2-3-4 दिन की बात है, फिर वही गाना गाएंगे जो गा रहे हैं पिछले 1.5 साल से कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुजाकरात करने। अगर मैसेज भेजा था, अव्वल तो मैं इस बात को नहीं मानता, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी करने का मैसेज भेजा था तो ऐनी ताबेदारी, 5 मिनट नहीं लगे, जेलां खुल गई हैं, जलसे मुलतवी हो गए, इतनी ताबेदारी तो जो है आर्मी चीफ के जो है कोई मेरा सबॉर्डिनेट्स नहीं उनके इतने करते जितनी इन्होंने की है, और आज उनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। आप कहीं एक आपका मौकफ हो, एक नजरिया हो, एक स्टैंड हो, तो बंदा उसको जो है यकसुई के साथ अटैक भी कर सकता है। ये शिफ्टिंग सैंड्स जो हैं पॉलिटिकल डेजर्ट के अंदर, इससे तो ये भी नहीं पता लगता कि आज इन्होंने ये ट्वीट किया है तो कल को मिन्नत तरला तो नहीं शुरू कर देना, ये वेरीफाई करवाएं। इन्हीं के फायदे की बात है कि उन्होंने ट्वीट किया है या उनके बिहाफ पे किसी ने ट्वीट किया है। मैं फिर कहूंगा कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की बातों पे माजरत की है, सिर्फ उनसे माजरत की है, मीडिया वालों से। उनको इस बात का अंदर भी एहसास है कि मीडिया कितना लीथल हो सकता है। जनाबे वाला, ये जिस रास्ते पे चल निकले हैं, मेरे नहीं ख्याल कि उसमें कोई वापसी का रास्ता जो है वो बाकी रह गया है। ख्वाहिशों पे तो कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी के ख्वाहिशों पे तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं, मेरे जहन में एक मुहावरा आ रहा है, जरा थोड़ा सा गैर पार्लियामेंटी हो जाएगा तो मेरा रहने देता हूँ, रहने दे। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर, चाहते हैं जनरल आसम मुनीर साहब एस्टैब्लिशमेंट के हेड हैं, उनके पांव गिरना चाहते हैं, फिर साथ ट्वीट भी करते हैं। सर, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी 2 नंबरी हुई है, इससे बड़ी 2 नंबरी कोई नहीं हुई। बड़ी बड़ी 2 नंबरी हुई है। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की सियासत पाक साफ थी या पवित्र थी, हम लोगों से बेशुमार गलतियां हुई हैं। काजी फैज ईसा को इन्होंने निशाना बनाया, जनरल फैज साहब जो अंदर पता नहीं वो बानी पीटीआई के मतलब कैसे गाने गा रहे हैं, हो सकता है कि वो गाना गा रहे हो कि आजा बालम तेरा इंतजार है, तो इस किस्म का वो गाना अंदर वो गा रहे हैं,
तो वो क्या कह रहे हैं, उन्हीं के जरिए जो है धरना दिलवाया गया। उसके बाद फैसला आया एक शख्स को जो है, और उसके बाद अपोलोजाइज किया गया, उनसे माफी मांगी गई। उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने फैजी सर से माफी मांगी कि उनसे ज्यादती हुई है। ये रेफरेंस फाइल नहीं होना चाहिए था, ये रिकॉर्ड की बातें हैं।